लालची तंदूर वाला। एक गांव में दो भाई थे, एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। बड़ा भाई सोनू गांव में तंदूरी चिकन और कबाब बेचता था। लोगों को उसके यहाँ का खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ा, वैसे वैसे लालच भी बढ़ता चला गया। एक दिन सोनू ने अचानक चिकन के दाम बढ़ा दिए। क्योंकि लोगों को पसंद था, इसलिए वो पैसे भी देते थे। कुछ दिनों बाद सोनू ने बचे हुए चिकन को भी अगले दिन बेचना शुरू कर दिया। यह देख उसके छोटू भाई मोनू ने उससे कहा, भैया आपने दाम बढ़ा दिए वो तो ठीक है, पर गांव के लोगों को बासा चिकन खिलाओगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, इससे तुम्हारा नाम खराब होगा। अरे भाई, तुझे धंधे के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है भैया मेरी बात ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे भी तंदूरी कबाब बेचना शुरू करना ही होगा, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। और मोनू ने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और एक तंदूर खरीद लिया और अपने घर के आंगन में ही तंदूर लगाकर अपना काम शुरू किया। मोनू ने अपने दोस्तों की सलाह से पूरे गांव में यह बात फैला दी कि फोन पर ऑर्डर देते ही खाना मिलेगा, वह भी बिल्कुल ताजा, और दुकान पर आने की आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे उसे फोन पर ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उसकी दुकान पर किसी का फोन आया, अरे भाई मोनू चिकन की दुकान? जी हाँ बोलिए। मुझे 4 प्लेट चिकन टिक्का चाहिए और वो भी बिल्कुल ताजा। ठीक है मिल जाएगा। और मोनू ने टिक्का बनाया और खुद जाकर उस घर में देकर आया। उसका खाना ताजा और स्वाद था, इसीलिए उस ग्राहक को वह खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे लोगों ने सोनू के पास आना बंद कर दिया, जिस कारण उसे भारी नुकसान होने लगा। एक दिन वह मोनू के पास आकर बोला, अरे भाई मोनू मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरा तो ट्रक भी बिक गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, और वो भी मेरी लालच की वजह से। अब मुझे समझ में आ गया है, आओ हम दोनों फिर से मिलके काम करते हैं, मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। तूने मुझे धंधा करना सिखा दिया है। और इस तरह दोनों भाइयों ने फिर से मिलकर काम करना शुरू किया और उन्होंने 2 लड़के भी रख लिए खाना डिलीवरी करने के लिए। सीख, हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। लालची प्याज वाला। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रवि। वह बहुत लालची था। वह सब्जी उगाकर शहर जाकर बेचता था। एक दिन उसने सभी किसानों को बुलाकर कहा, इस बार कोई टमाटर नहीं उगाएगा, अगर हम सिर्फ टमाटर ही उगाएंगे तो बेचेंगे क्या? मैं तो टमाटर नहीं उगाने वाला, और आपको भी यही सलाह दूंगा कि टमाटर मत उगाइए। और फिर वह खुद टमाटर उगाकर बोरियों में लादकर शहर चला जाता है। अरे आज कौन सी सब्जी उगाई है रवि? टमाटर उगाए हैं, दाम है 700 रुपए किलो। इतना ज्यादा? थोड़ा तो कम कर दे। अरे क्या मुझे नहीं पता तुम इसे कितने में बेचोगे? आज सिर्फ टमाटर ही है मेरे पास, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। व्यापारी ने लाचार होकर पैसे दे दिए। घर पर रवि की पत्नी ने उससे कहा, आप तो बड़े ही चालाक हो जी, किसानों को तो टमाटर उगाने के लिए मना कर दिया और खुद मुनाफा बचा लिया। एक औरत खिड़की से यह सब सुन लेती है। वह जाकर किसानों को सब बताती है। अरे सुनो सुनो भाइयों, रवि तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। खुद तुम्हें टमाटर बेचने से मना करके खुद सभी टमाटर शहर जाकर बेच रहा है। जानते हो उसने अपनी खेती टमाटर की ही की है। इतना बड़ा धोखा? वो किसान है, इसलिए हमने उस पर भरोसा किया, हमें उसे सब सिखाना ही चाहिए। तभी सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, मैं कृषि विभाग का अधिकारी हूँ,
आजकल प्याज में मिलावट होने की खबर आई है, इसलिए मेरी सलाह यही है कि इस बार प्याज ना उगाएं। आप तो हमारे लिए भगवान हैं, आप जैसा ईमानदार अधिकारी हमने नहीं देखा। यह कहकर सारे किसान हंसने लगे। तभी रवि भी चुपके से यह बात सुन लेता है और वह प्याज उगाने की ही सोचता है और खूब सारे प्याज उगाकर शहर बेचने के लिए ले जाता है। फिर रवि प्याज की बोरियां लादकर शहर जाता है। अरे रवि, अगर प्याज लाए हो तो जाओ और फेंक दो, लेकिन यहाँ मत फेंकना, नहीं तो बदबू आएगी। फिर रवि ठेले पे प्याज बेचने जाता है, लेकिन कोई लेने नहीं आता। यह देखकर रवि अपना सिर पीटने लगता है। तभी वहाँ किसान आते हैं और उससे कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया था ना, अब उसी धोखे की वजह से तुम खुद भुगतो। हमारा नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन तुम्हारा नुकसान तो होना ही चाहिए, तुम लालची और धोखेबाज हो। यह कहकर सभी लोग उसे पीटने लगते हैं और रवि लंगड़ाता हुआ घर चला जाता है। सीख, किसी का नुकसान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तरबूज का रस। एक गांव में भोलू नाम का एक आदमी तरबूज बेचा करता था। एक समय था जब वो काफी अमीर था। जुए में सारा पैसा लुटाकर अब वह तरबूज बेचने लगा। बेचने के लिए उसने अपने पास मुन्ना नाम का एक लड़का रखा हुआ था। आओ आओ, तरबूज ले लो, मीठे मीठे ठंडे ठंडे तरबूज ले लो। मुन्ना का यही काम था। वह चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों को बुलाता और भोलू तरबूज तोलकर ग्राहकों को देता रहता। लेकिन तरबूज के साथ साथ वह सर्वज्ञानी बनकर लोगों को सलाह भी देता था। अरे मोहन, इस बार कौन सी फसल उगा रहे हो? मैं तो कपास उगा रहा हूँ भाई। क्या कपास? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आजकल कपास में कोई फायदा नहीं है। जानवर पाल लो, जानवर, दूध बेचो, दही बेचो, घी बेचो, लोग आजकल यही सब खाते हैं। मान लो मेरी बात। ठीक है भाई, सोचता हूँ। अरे देखो मुन्ना, सब लोग मेरी बात मानते हैं। मुन्ना भोलू की यह बात सुनकर मन ही मन हंसता है। खुद तो कुछ आता नहीं है इन्हें, लोगों को सलाह देते रहते हैं बेमतलब की। अरे क्या सोच रहे हो मुन्ना? अरे कुछ भी तो नहीं मालिक। आओ आओ, तरबूज ले लो, सब लोग तरबूज ले लो। एक दिन एक आदमी अपने दादाजी के साथ उसकी तरबूज की रेड़ी पर आता है। अरे भाई, क्या हो गया तुम्हारे दादाजी को? मेरे दादाजी को जुखाम हुआ है। डॉक्टर ने एक पर्ची पर लिखा था कि दवा कैसे खानी है, ना जाने वो पर्ची कहाँ खो गई। अब ये शीशी में तो अंग्रेजी में लिखा है, समझ नहीं आ रहा कैसे लेनी है। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी मुन्ना ने धीरे से भोलू को कहा, अरे मालिक, आपको तो अंग्रेजी आती नहीं है। अरे धीरे बोल, धीरे, कोई सुन लेगा। तभी एक स्कूल का विद्यार्थी उसकी रेड़ी के पास आता है। अरे चाचा, तरबूज कैसे दिए? आओ आओ बेटा, तरबूज की बात तो बाद में करना, पर स्कूल में कुछ पढ़ते लिखते भी हो या ऐसे ही घूमते हो? अरे नहीं चाचा, पढ़ता हूँ मैं। तो जरा देख कर बताओ, इस शीशी पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है, शेक वेल बिफोर यूज। हाँ हाँ, ज्यादा मत बनो, मुझे पता है, मैं तो बस देख रहा, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं। और यह बातें सुनकर मुन्ना मन ही मन फिर हंसता है। भोलू उस आदमी से यह कहता है, अरे भाई, इस दवा पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब खाने से पहले अच्छे से हिलाओ। और वह आदमी अपने दादाजी को उठाकर हिलाने लगता है। उसके दादाजी बेहोश हो जाते हैं
और वह फिर से अपने दादाजी को अस्पताल लेके जाता है। जब उस आदमी ने सारी बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर खूब हंसा और डॉक्टर ने उसे कहा कि आपने शीशी को हिलाना था, मरीज को नहीं। यह सुन उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो भोलू की रेड़ी पर आया। उसने भोलू को पीटा भी और उसकी रेड़ी भी तोड़ दी। और तभी वह किसान भी डंडा लेकर आया और उसने भी भोलू को पीटना शुरू किया। अरे भाग मुन्ना भाग, लोग तो हमें मार देंगे, भागो भागो यहाँ से। सीख, हमें बिना ज्ञान के किसी को कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब।